नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और मेरा यूट्यूब वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पर देता हूँ और बाई सेल लेवल मैंने जो बाई सेल लेवल का स्क्रीनर बनाया उसका थ्रू मैं स्क्रीन करके बाई सेल लेवल का कुछ स्टॉक्स का रिकमेंडेशन देता हूँ, कमोडिटी का रिकमेंडेशन देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का रिकमेंडेशन देता हूँ। तो ये आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजीज दिया हुआ है जो आप लोग को 90% के ऊपर एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है, और भी कुछ टेक्निक और स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाउ टू टेक सेफ एंट्री, कैसे इंटरडे में पेयर ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज से आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है वो भी आप लोग देख सकता है, कैसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चुन सकता है वो भी आप लोग को देख सकता है। तो एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज आप लोग को कम पे आएगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो बताने का चाह रहा हूँ, तो इस देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। इधर ये अभी तक इसका अप ट्रेंड चालू है, ये कल इधर 0% लेवल से इधर तक आया था, उसके बाद 0% लेवल से ये फिबोनाची लेवल मैंने इधर ड्रॉ किया, वो ये था 38.2% जो एक्सटेंशन लेवल है उधर जाके ये आज सपोर्ट लिया, इधर जाके ये रुक गया, उसके ऊपर गया नहीं पाया। मैंने कल बोला था कि इसको 150-160 के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ये 1200 क्रॉस हो सकता है, तो देखते हैं कल हो सकता है नहीं। देखिए इधर RSI भी इधर 80% ऊपर जाके ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है इधर, और इधर भी फोरकास्ट भी थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है, तभी ये अप ट्रेंड इसका चालू है, तो देखता है और रिटेस्ट करके ये और भी एक्सटेंड हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और इधर नीचे जाने के लिए इसको 12950 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये 12925, उसके बाद ये 11829, 11756 और 11700 में इसका सपोर्ट ले सकता है। तो मेरे जो लगता है तो ये अभी इसमें कुछ कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन होकर रिटेस्ट करके आ जाएगा, तो ये इसमें ये और भी कुछ इसके अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है। मैंने बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का बता रहा है, डायमंड का चार्ट एनालिसिस करके देखता हूँ। देखिए ये इसका एक्सटेंशन लेवल अभी तक आया नहीं है, इधर जो है 32000 के ऊपर, ये 32000 तक जा नहीं पाया, 12849-850 तक जाके रुक गया है, तो ये देखता है ये और भी ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसका तो अभी भी अप ट्रेंड में दिखा रहा है, और ये नीचे आएगा तो इसका पहले तो इसको 32,431-450 के नीचे आएगा, उसके बाद 31,000 तक आ सकता है, 31,100 तक, उसके बाद ये 30,720-30,520 ये सब का लेवल आप लोग को मैंने रात में जो बाई से लेवल देता हूँ तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा, और इधर नीचे आएगा तो 29,130 तक आ सकता है, लेकिन वो अभी इमीडिएट फ्यूचर में नहीं होगा, ये कॉन्सेंट्रेट करेगा, अभी सेट करके ऊपर अप डाउन होगा तो उसके बाद ही नीचे जाएगा, ऐसे जब 61.8% का लेवल के ऊपर चला जाएगा तो और भी कुछ दिन के लिए वो अप ट्रेंड में चालू रहेगा, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो लेकिन देखता है ये दोनों ही 38.2% लेवल एक्सटेंशन लेवल तक गया हुआ है, तो ये बैंक निफ्टी अभी तक जा नहीं पाया, तो इसको ऑप्शन चिन्ह हम लोग देखते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखिए ये इसका PCR रेशियो 1.31 के आसपास है, और इधर 12100 में इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे, लेकिन इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और
इधर 11900 में इसका पुट साइड में इसका सपोर्ट बना है, वो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड में टोटल पुट साइड का चेन में ये देखिए, ये लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, चेंज इन नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव दिख रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो ये शॉर्ट मतलब लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मार्केट ऊपर पुट शॉर्टिंग हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इधर कुछ मतलब साइडवेज मोमेंटम, मतलब पूरा मोमेंटम इसका अप ट्रेंड में नहीं आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा रुक रुक के आपका पीसीआर रेशियो भी 1.31 है, 1.5 तक हो जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाके ये कंसोलिडेट करेगा ऐसा ही लगता है। और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन में देखिए, ऑप्शन चेन में ये 1.45 के आसपास है पीसीआर रेशियो, और इधर 32,000 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में इधर लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, और पुट साइड में इधर 31,000 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, सॉरी सपोर्ट है, इधर इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, सॉरी इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर पूरा ऑप्शन चेन में इसका शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इधर ये भी ट्राई करेगा कि ये ऊपर बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। और पीसीआर रेशियो का साथ ये करेंगे तो 1.45 के आसपास चला गया है, 1.5-1.6 तक जा सकता है, उसके बाद पीसीआर कंसेप्ट हो सकता है। और इसका प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो देखिए इधर प्रोबेबिलिटी जो है 11,900 के पास ये करंट स्टॉक प्राइस, कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और नेक्स्ट टू एक्सपायरेशन ये सब देखे कैलकुलेशन मैंने करता हूँ, तो इधर 12,100 के तक मतलब निफ्टी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी भी 32,000 मतलब इसका रेजिस्टेंस के पास जाने का कोशिश करेगा, मतलब अप ट्रेंड में जाएगा। और मैं जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया हूँ उसमें देखिए, ये इधर से भी आप लोग को ट्रेंड पता चलता है, देखिए इस बार जो दोनों ही अप ट्रेंड में है, इधर देखिए बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है ये अप ट्रेंड का मतलब बाई अप ट्रेंड में दिखा रहा है, बाई साइड अप ट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन जो निफ्टी का है वो सेल अप ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड जाके वो रिटेस होकर नीचे लेवल में आ रहा है, उस लेवल में दिखा रहा है। और इधर जो मेरा जो ट्रेंड का एनालिसिस जो मैंने करता हूँ वो दोनों ही अप ट्रेंड में दिखा रहा है, तो अप ट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन इधर से आप लोग को बाई अप ट्रेंड का बाई और सेल लेवल इसको दिखना पड़ेगा। मैं जो ये बाई सेल लेवल्स का स्किनर बनाता हूँ और बाई सेल लेवल देता हूँ, तो ये आप लोग को मैंने व्हाट्सएप, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने कॉल देता हूँ। और इधर प्रीवियस क्लोज करेंट हाई, प्रीवियस क्लोज के साथ करेंट हाई, करेंट लो और करेंट क्लोज के साथ मैंने एक एनालिसिस करके ट्रेंड बता रहा है, ये भी बता रहा है कि ये मतलब दोनों साइड से ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपमेंट जा सकता है और निफ्टी थोड़ा सा आउट ट्रेंड जाके सेल साइड में जा सकता है। तो इधर मैंने जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बना, इसका थ्रू में आप लोग बहुत आसान तरीका से स्क्रीनिंग करके स्टॉक्स, निफ्टी, कमोडिटी, बैंक निफ्टी सबका इधर आप लोग ट्रेंड का पता कर सकता है और लेवल का भी पता कर सकता है। देखिए आप ट्रेंड में मैंने ये आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ट्रेंड और लेवल आप लोग का बहुत आसान तरीका से पता चल जाएगा। इधर से मैंने बाई सेल लेवल 3 में अप ट्रेंड में बाई और सेल लेवल रखा है, जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है और उसका वो और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे पकड़ना है, जो अप ट्रेंड से डाउन होकर नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पकड़ना है, जो डाउन ट्रेंड में वो जो है वो वाई होगा तो कौन सा लेवल पे सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे उसको पकड़ना है, उसके बाद फिर इधर से आप लोग ट्रेंड का पता चलेगा। ट्रेंड और लेवल ये दोनों आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग का एंट्री लेने के लिए,
तो इसीलिए देखिए इधर से आप लोग को ट्रेंड पर पहले इधर 534 EMA का क्रॉसओवर मैंने रखा हूँ, और इधर से भी आप लोग ट्रेंड का पता चल कर सकते